press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello and welcome to testbook.com and good morning to all and as well as wish you a very happy new year to all. So, साल की शुरुआत, I hope so, आपकी अच्छी रही होगी. कल का दिन आपने काफी अच्छे से बिताया होगा, स्पेंड किया होगा. तो चलिए, हो गया है न्यू ईयर, एक तारीख हो गई है और इस साल में एक प्रण, एक रेजोल्यूशन जो हम हमेशा लेते हैं उसको अपडेट रखिए. वो क्यों ले रहे हैं उसका कारण जानिए और उसको कैसे फॉलो करना है दिसंबर 2019 तक, इस चीज़ को भी एक प्लान में लाइए. चलिए, सो बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ, क्योंकि आज का जो सेशन है वो हिस्ट्री को टच करेगा, वो मॉडर्न हिस्ट्री को बेसिकली टच करेगा. तो जान लेते हैं कि सबसे पहला टॉपिक आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना होता है. वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू. ओके, आपको जो मेन मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर पढ़ना होता है वो आपको पढ़ना होता है कमिंग ऑफ यूरोपियन, यानी कि आपके भारत में जो विदेशी थे वो किस मैनर में इंडिया आए, वो किस तरीके से भारत आए, उनमें से सबसे पहले कौन आया या किसने इंडिया में कदम रखा. ठीक है, गुड मॉर्निंग एंड जय माता दी. चलिए, सबसे पहले हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि कमिंग ऑफ यूरोपियन में कहानी आखिर क्या थी. ठीक है, तो कमिंग ऑफ यूरोपियन का यहाँ मतलब है कि कैसे इंडिया में जो आपके लोग थे या जो आपके भिन्न भिन्न प्रकार के विदेशी थे उनमें सबसे पहले कौन आया. तो हमेशा याद रखो 1498, ठीक है, 1498 के समय आपके जो पुर्तगाली थे या जो पोर्तुगीज थे, ठीक है, वो पुर्तगालियों ने सबसे पहली बार समुद्र के रास्ते से इंडिया के जो इंडिया का जो एरिया था उसको टच किया था, या कहिए उसको डिस्कवर किया था. पोर्तुगीज को आप ऐसे कह सकते हो कि पोर्तुगीज को फॉलो किया 1595 के टाइम पर किसने, तो डच ने. ठीक है, डचेस ने इनको फॉलो किया. देन आफ्टर इनको फॉलो किया आपके 1600 के टाइम पे किसने, इंग्लिश, यानी कि मेन ब्रिटिशर्स ने. और इनको फॉलो किया 1664 के टाइम पे आपके फ्रांसीसियों ने, यानी कि फ्रेंच लोगों ने. तो ये क्रम आपको याद रखना है कि किस तरह से ये लोग भारत आए या किस तरीके से इन लोगों ने इंडिया में शुरुआत करी. ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है. तो ऐसे भी याद रख सकते हो PDEF, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो, या कुछ भी आप इसका कुछ ट्रिक जो है वो आप फ्रेम कर सकते हो. तो ये एक तरीका था, ये एक क्रम था, ऑर्डर आपको ये वाला याद करना पड़ेगा. ईयर भी कोशिश करना कि आप याद कर लो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो. अगर मान लीजिए ईयर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप ईयर के हिसाब से भी ये चीज़ यहाँ पर बता सको. क्लियर है, समझ आ गया अभी? ओके, ठीक है, चलिए. सो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्रम देख लिया. अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन Q&A सेशन की तरफ, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको बताना है कि कब कौन आया, और आपको अगर नहीं पता है तो आपको अपनी चीज़ें जो है वो नोट भी साथ ही साथ करना है. ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा. माना वहाँ बहुत ठंड है या नॉर्थ में काफ़ी उस समय ठंड पड़ रही है, तो लेकिन फिर भी एक कॉपी और पेन लेने में कुछ जाएगा नहीं आपका. तो लेकर बैठिए और शुरू करेंगे हम लोग अपने Q&A सेशन को, ताकि आपको क्वेश्चन का टाइप पता चल पाए कि इस तरह इस वाले चैप्टर में कैसे क्वेश्चन आते हैं.
एक्चुअली इस चैप्टर को पढ़ने में ना थोड़ा सा कम इंटरेस्ट आता है, क्योंकि नाम जब होते हैं ना, जो पोर्तुगीज या जो भी फ्रेंचेस डचेस वगैरह के, वो नाम हम बहुत फैमिलियर तो होते नहीं है, तो हमें पढ़ने में दिक्कत होने लगती है उसको. जब पढ़ने में दिक्कत होने लगती है तो हम इंटरेस्ट अपना जो है वो खोने लगते हैं. तो बेटर है कि ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, बेटर है आप इसके क्वेश्चंस लगा लो. ठीक है, आपको जहां जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप उन क्वेश्चंस को लगा लो, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा. ठीक है, ऐसे चैप्टर्स, ऐसे कोई भी टॉपिक जो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आते हैं या बहुत ज्यादा आप उन पे नहीं अपना वर्कआउट करना चाहते, तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन लगा लिया करो, जरूरी नहीं बैठ के उसको पढ़ो ही एक घंटा. क्लियर है? चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की कहानी को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि निम्न में से कौन सा यूरोपियन भारत में पहली बार आया था. क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यूरोपियन, यूरोपियन का मतलब वो विदेशियों की बात कर रहे हैं. ठीक है, कौन सा यूरोपियन भारत में सबसे पहली बार आया था. मुझे लगता है इस क्वेश्चन का तो आप आराम से आंसर दे सकते हो. आंसर करिएगा. ओके, ईशानी कह रही है पुर्तगाली आए थे. ठीक है, सुशील कुमार पुर्तगाली, सूरज कुमार फर्स्ट. ठीक है, नवदीप सिंह वेरी गुड, ए धीरज कुमार गुड मॉर्निंग एंड ओके, सभी लोग ए आंसर कर रहे हैं. राजू यादव वेरी गुड, पुष्पेंद्र विजय, मोहम्मद यूसुफ जी नाइस, नेहा कुमारी, विनोद वेरी गुड. सही है गाइस, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. भारत में सबसे पहली बार कौन से यूरोपियन आए, तो पुर्तगालियों ने सबसे पहली बार भारत में कदम रखा था, या कहिए सबसे पहली बार जो है वो आपके जो पोर्तुगीज थे, पुर्तगाली थे, उनमें 1498 में वास्को डिगामा जो था, अभी किसी ने कमेंट में भी लिखा था, वास्को डिगामा जो था पोर्तुगीज पुर्तगाली, वो सबसे पहली बार आपका बेसिकली इंडिया को एक तरह से डिस्कवर किया, या उसने वो मार्ग डिस्कवर किया जिससे वो भारत पहुंचा. ठीक है, करीब 27 मई 1498 को वास्को डिगामा जो है वो कालीकट पहुंच गया था. डेट मेंशन कर लेना, मॉडर्न हिस्ट्री में डेट्स याद करनी पड़ती हैं. हमने मीडिएवल हिस्ट्री में ईयर बोला था कि भाई मीडिएवल तक ईयर वगैरह याद कर लो, लेकिन मैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको अलग से बोलूंगी कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपको डेट्स याद करनी पड़ेंगी, तो डेट्स याद करके चलना. क्लियर है? काफी सारी न्यूज, काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई. चलो, होप सो लिख रहे हो. ठीक है, लिख लेना. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. संजय यादव जी, थैंक यू सो मच एंड वेलकम. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर. निम्नलिखित में से किसने यूरोप से भारत तक केप मार्ग की खोज करी थी? आंसर करिएगा. आई होप सो बहुत आसानी से आंसर दे दोगे, क्योंकि अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने वो पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो दे दिया था. वास्को डिगामा ही आंसर आ रहा है. अभिषेक गौरी, राजभन सिंह लोधी जी, ठीक है, पुष्पेंद्र पाल बी कह रहे हैं, पुष्पा वर्मा पी कह रही हैं, बी कह रही हैं, नीरज सिंह, विजय त्रिपाठी, ओके नाइस, पंकज गुप्ता, ओके, संजीव कुमार बी कह रहे हैं, मनोज गुप्ता, वास्को डिगामा, ओके ओके, ऑलमोस्ट सभी का आंसर बी आ रहा है भाई. सही है, वास्को डिगामा इज द करेक्ट आंसर. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि वास्को डिगामा कब कैसे भारत आया. ठीक है, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित नाविकों में से किसने वास्को डिगामा को अफ्रीका से भारत तक अपना रास्ता खोजने में मदद करी थी? एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि भाई जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी होगी तो उस जर्नी में कहीं ना कहीं तो उन्हें कोई हेल्प करनी होगी, है ना, या उन्हें कोई ना कोई हेल्प चाहिए होगी, तो वो उस जर्नी में, उस पूरी होल जर्नी में किसने सपोर्ट किया था वास्को डिगामा का, या किसने उनको हेल्प किया था? जानो इस क्वेश्चन को और लिख जरूर लेना, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर होगा क्योंकि उसका. देखें क्या आंसर कर रहे हैं. सेकंड ऑप्शन आ रहा है,
मुझे कुछ लोग वेरी गुड, मनोज गुप्ता नाइस, कृष्णदत्त राजपूत वेरी गुड, पंकज गुप्ता नाइस, सुमन कमांडो ओके बी ठीक है, सुहानी फोर्थ, बहुत अलग आंसर है, किसी का फर्स्ट किसी का सेकंड किसी का थर्ड किसी का फोर्थ राइट। कुछ लोग थे जिन्होंने श्वेता पासवान वेरी गुड, अमित कुमार, चलिए स्पीड भी काफी कम हो गई है, संजय शुक्ला ठीक है, तो ए के राजपूत। तो भाई जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया मैंने उन्हीं के ऊपर नाम लिए थे, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है अहमद इब्न माजिद। अहमद इब्न माजिद जो थे ये आपके, इनका जन्म ओमान में हुआ था और करीब 17 साल की आयु से ये शिप्स को जो नेविगेट करना होता है उस शिप्स को नेविगेट करने का काम जो है ये करते थे, और इसी वजह से यूरोप में या कहिए अरब वाले एरिया में इनको अरब सी मैन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अरब सी मैन कहा जाता था। इनके बारे में एक्चुअली एग्जैक्ट डेट्स तो नहीं मिलती है, लेकिन अबन ये जो अहमद इब्न मजिद थे इनकी 1500 के टाइम पे जो है वो इनकी डेथ भी हो गई थी। ही बिकेम फेमस इन वेस्ट एज नेविगेटर हु हेल्प वास्को डिगामा। इन्होंने ही दरअसल वेस्ट वाले एरिया में वास्को डिगामा को पूरा हेल्प किया था अफ्रीका से इंडिया का मार्ग ढूंढने के लिए। तो कहां से कहां का मार्ग ढूंढने के लिए किया था, इस क्वेश्चन को याद में रखना कि अफ्रीका से इंडिया का मार्ग ठीक है। सो ऐसे करके ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वेटरन जी कोई इशू नहीं है, दो क्वेश्चन निकले और हल्की सी आपकी इंट्रो निकल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित नाविकों में से किसने वास्को डिगामा, ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर साम्राज्यवाद की नीति जो है वो लागू की थी, या विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया Who introduced the policy of imperialism? आंसर करिएगा। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है भाई, फ्रांसिस द अल्मेडा, सही आंसर नहीं आया अभी। ओके कुछ लोग हैं जिन्होंने आंसर किया है, सॉरी राजभन सिंह, राजू यादव, अमित कुमार, ठीक है ठीक है, ओके विजय त्रिपाठी जी, विवेक कुमार, ये क्या है 1 2 3 4 सारे ऑप्शन दे रहे हो क्या, यही करना है तुमको पेपर में। चलो तो क्वेश्चन का आंसर देती हूं मैं, सबीना खातून वेरी गुड, मुन्ना कुमार ठीक है, सुशील कुमार फोर्थ ठीक है, एक्चुअली डोंट नो नो इशू, बी होगा, बी नहीं होगा, श्रीकांत मोंडल ठीक है, सो मोनू राय, केपी सिंह पाल, ओके चलिए काफी लोग थे जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया, और मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो थे ये आपके दूसरे पुर्तगाली गवर्नर थे इंडिया में, या कहिए सेकेंड नंबर के गवर्नर थे, सेकेंड नंबर के पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो होगा आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, काफी सही आप लोगों ने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि द हेडक्वार्टर ऑफ डच इन इंडिया वॉज इन, भारत में डचों का मुख्यालय या भारत में डच मुख्यालय किस क्षेत्र में था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करिएगा जरूर। फर्स्ट आंसर आ रहा है कोची, आंसर आ रहा है डीवी, आंसर आ रहा है ठीक है। ओके, चलिए आंसर करती हूँ इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, लिखना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी सा है पर अधिकतर लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है ना। तो हेडक्वार्टर ऑफ डच जो था वो था आपका पुलिकट में। पुलिकट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका पुलिकट कहां पड़ता है, तो आपका जो नॉर्थ ऑफ चेन्नई है, चेन्नई का जो नॉर्थ वाला एरिया है बेसिकली उसको हम कह सकते हैं पुलिकट। ठीक है, या आप कहिए तमिलनाडु स्टेट जो आएगा तो वो तमिलनाडु स्टेट इसमें लग जाएगा। ओके, समझ में आ गया पुलिकट कहां है। कई बार ऐसा होता है कि हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता है तो हम आंसर याद नहीं कर पाते हैं ना, तो मैंने यहां बता दिया कि भाई पुलिकट कहां है। तो वैसे भी याद कर सकते हो, स्टेट याद करना चाहो स्टेट याद कर सकते हो, नॉर्थ चेन्नई याद करना चाहो नॉर्थ चेन्नई याद कर सकते हो। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर के शासक से गोवा को अपने कब्जे में लिया था। ये तो सबको पता है कि गोवा हो गया आपका, कालीकट हो गया, गोवा हो गया, चंद्रनगर हो गया, माही हो गया, ये सब जो बस्तियां थी ये सब बस्तियां पुर्तगालियों के अंडर में थी, है ना। तो कौन सा शासक था, कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने गोवा को सबसे पहली बार जो है वो कैप्चर किया था, वो भी बीजापुर के शासक से। आंसर करो, अच्छा क्वेश्चन है। अल्बुकर्क, ओके, कुछ लोग अल्मेडा कह रहे हैं, कुछ लोग अल्बुकर्क कह रहे हैं ना। संदीप यादव, केपी सिंह, दीपक वर्मा, लोटन सिंह, गुड मॉर्निंग ज्योति, राजू पाल, बहुत कम लोग जिन्होंने जो लोग राइट आंसर दे पा रहे हैं। सतनाम सिंह, क्या ही लिखे हो, डी और ए में बहुत कंफ्यूजन है। तो अब चलो इस क्वेश्चन के बाद आई होप सो आपका कंफ्यूजन हमेशा को क्लियर हो जाए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, आपके सबसे पहले पुर्तगाली गवर्नर थे जिन्होंने बीजापुर के शासक से गोवा को छीना था, या कहिए गोवा को कैप्चर किया था। क्लियर, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो अब यहाँ पे ये बात कर लो कि भाई फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आपके पुर्तगाली पहले गवर्नर, ठीक है, और अल्बुकर्क जो थे ये थे दूसरे गवर्नर। ठीक है, करीब 1510 के ही टाइम पर आपके ये फ्रांसिस्को, ये जो थे फ्रांसिस्को अल्मेडा, इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया था 1510 के टाइम पर। क्लियर है, समझ आ गया अभी। ओके, चलिए, सो आई होप सो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था क्योंकि काफी लोगों को आंसर इसमें नहीं याद था, है ना।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्तुगीज कैप्चर्ड गोवा इन, मैंने आंसर कर दिया है पिछले वाले में, एंड आई वांट राइट आंसर, मैंने आंसर कर दिया अगर पूरा सेंटेंस सुना हो तो। चलो जल्दी से आंसर करो ये वाले क्वेश्चन का। तो संजय शुक्ला और अमिता, तुम लोग लाइव चैट मत करो, फुल स्क्रीन करो, फुल स्क्रीन करो। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी ही आंसर आ रहा है सबका, क्योंकि सेंटेंस शायद आप लोगों ने सुन लिया था। वेरी गुड, नाइस, मैं यही चाहती हूँ। तो 1510 में आपके पोर्तुगीज ने जो है वो कैप्चर कर लिया था, किसको? आपके गोवा को। और किसने किया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने 1510 में गोवा को सबसे पहली बार कैप्चर किया। सेंटेंस बना लो, याद हो जाएगा, ठीक है? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स नोन एज द, यानी कि आपकी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन व्यापारियों के एक समूह ने किया था, ठीक है, जिसे 1600 ईस्वी में डैश के नाम से जाना जाता था। आंसर करो, ये क्वेश्चन तो पढ़ा होगा, ब्रिटिशर्स तो अपन लोग थोड़ा मन से पढ़ लेते हैं क्योंकि उन्होंने इतना टाइम राज किया अपने यहां। इंग्लिश ट्रेडर, ओके, अमित कुमार, अमिता, वेरी गुड। ठीक है, ममता, सैम यादव, अभिषेक, वेरी गुड, सही है, काफी लोग सही है। मुन्ना कुमार, नाइस, दीपक वर्मा, सही है। ओके, संदीप यादव, गुड, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए आप लोग टिक कर रहे हो और आप लोग अपनी जगह एकदम सही भी है। मर्चेंट एडवेंचरस नाम के, एडवेंचर के नाम से जाना जाता था आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के ग्रुप ने, जिसको भारत में एस्टेब्लिश किया गया था। क्लियर? तो मर्चेंट एडवेंचर नोट कर लेना। ओके, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक ओवरलैंड यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति और ब्रिटिश एक खोजकर्ता तथा साहसी था? काफी हिंट है क्वेश्चन में, अगर आंसर कर पाओ तो। ओके, करेक्ट आंसर काफी कम लोगों का आ रहा है, बहुत कम लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ईशानी कह रही है हॉकिंस, सुशील हॉकिंस, गौरी कुमारी, ठीक है, दीपांकर खान, वेरी गुड। रोशन सिंह, पांडे हिमांशु, रोशन सिंह, ठीक है, और कोई है? संदीप यादव, जितेंद्र कुमार, सौरभ गांगुली, वेरी गुड। बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जॉन मेडन हॉल, या जॉन मिड नॉल के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये थे सबसे पहले ऐसे व्यक्ति या ब्रिटिशर जिन्होंने इंडिया को ओवरलैंड यात्रा जो है इंडिया की करी थी। ओके, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, मैंने बता दिया, संतोष पंडित जी, मैंने आंसर बता दिया है, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना बनाया गया था? चलो आंसर करते रहो जल्दी जल्दी,
क्योंकि वाले चैप्टर्स आप लोग खुद भी स्किप करते हो, तो मैं चाहती हूँ कि आपको हर एक उससे क्वेश्चन मिल जाए तो बेटर होगा आपके लिए, है ना। आंसर करिएगा, किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना बनाया गया। आई होप सो इस क्वेश्चन का आंसर ओके नरेंद्र सिंह। कुछ लोग मसौलीपट्टनम कह रहे हैं और कुछ लोग सी सूरत कह रहे हैं। ओके, सी और ए का कंफ्यूजन है ना। मोहित गुर्जर, ठीक है। शशि जी, सूरत, ठीक है। गौरव, ओके। रवि मिश्रा, ठीक है। चलिए, सो काफी लोग हैं जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कर रहे हैं और आप अपनी जगह सही हैं। सूरत इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके अंग्रेजों ने जो सबसे पहला कारखाना बनाया था, सबसे पहली जो फैक्ट्री लगाई थी, वो 1613 के समय सूरत में ही लगाई थी। तो इसलिए आंसर क्या होगा, सूरत होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट पोर्तुगी गवर्नर ऑफ इंडिया। आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन का। ये हम लोगों ने अभी काफी ज्यादा क्लियर कर दिया था कि अल्मेडा है या कौन है, मैंने ही आंसर कर दिया है। चलो इस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो अल्मेडा, एफ डी अल्मेडा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो इसको बस नोट भर कर लेना, क्योंकि हमने वहां पिछले क्वेश्चन में 2-3 बार उस चीज को रिपीट कर लिया था। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कितने भारत में अपनी सभी बस्तियों को अंग्रेजों को बेचने के लिए मजबूर किया, यानी कि किस यूरोपीय कंपनीज ने, या कहिए किन यूरोपियन ने भारत में अपनी सभी बस्तियों को अंग्रेजों को बेचने के लिए मजबूर किया था, यानी कि अंग्रेजों को एक तरह से बैंड किया था। बी ऑप्शन, सी बी। फ्रांसीसी, ओके। करेक्ट करते हैं आपके इस क्वेश्चन के आंसर को, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेन्स, यानी कि डेनमार्क वासी जो होते हैं उनको डेन्स कहा जाता है। उन लोगों ने करीब 1616 में आपके एक ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉपर जो है एस्टैब्लिश किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा पावर उनके पास नहीं थी, इस वजह से उन्होंने कहिए तमिलनाडु वाला हिस्सा, जो बस्तियाँ तमिलनाडु में थी और जो कुछ बस्तियाँ बंगाल वाले एरिया में थी, वहाँ पर इन लोगों ने सेटलमेंट किया था अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है। तो डेनमार्क या डेनमार्क के वासी या डेन्स जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये कहानी कब की है, तो 1616 के टाइम की है, 1616 के टाइम की ये कहानी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रशांत रॉय जी, आप वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, तो आपको एक्चुअली आपने काफी लेट ज्वाइन किया है, तो आपको थोड़ा सा आपके क्वेश्चन निकल गए हैं, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास का स्थल हासिल किया था। बहुत अलग क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। निम्नलिखित में से किसने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास का स्थल हासिल किया था। ए ऑप्शन आ रहा है, फ्रांसिस डे। हिमांशु पांडे जी, क्या समझ नहीं आ रहा।
ओके चलिए करेक्ट करते हैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर को, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, सुनो, वो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका फ्रांसिस डे। जो फ्रांसिस डे थे, इन्होंने 1639 के टाइम पे, यानी कि 1639 के टाइम पर चंद्रगिरी के राजा से मद्रास का जो स्थल था वो खाली करवाया था कि भैया हमें फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, हमें एक फैक्ट्री बनानी है वहाँ पर, आप ये पूरा स्थल खाली कर दो, उसके बदले जो भी है वो कंपनसेट करेंगे ब्रिटिशर्स राजाओं को। इसी शर्त पर चंद्रगिरी के राजा जो थे उन्होंने वो पूरा मद्रास वाला रीजन जो है वो खाली कर दिया था ताकि वहां पर एक फैक्ट्री स्टैब्लिश हो पाए और लोगों को रोजगार मिल पाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उस फैक्ट्री का नाम सेंट जॉर्ज फैक्ट्री रखा गया था। ठीक है, कहानी कब की है, किस ईयर की है, तो 1639 1639 के समय की कहानी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ हिमांशु जी, क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल के हैं क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है जिससे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, ओके, पुदुचेरी की संधि किनके मध्य हुई थी, या ये जो ट्रीटी थी ये किसके बीच में करी गई थी, ट्रीटी ऑफ पुदुचेरी, या आप पौंडीचेरी कह सकते हो उस टाइम के हिसाब से। ऑप्शन नंबर थर्ड आ रहा है, फ्रेंच एंड डच, ऑप्शन बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। क्लास 8:30 पर स्टार्ट होता है डेली, ऑप्शन ए आ रहा है, ब्रिटिशर्स एंड डच। ओके, आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। ये जो आपकी संधि थी ये 1754 के टाइम पर हुई थी, आपका जो सेकंड कार्नेटिक वॉर था, या जो दूसरा कर्नाटिक युद्ध था उसको सेटल करने के लिए ये पूरी संधि करी गई थी, और ये संधि आपकी फ्रेंच सेटलमेंट पर हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपके फ्रेंच और डच है। ओके, नोट कर लीजिएगा। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई, पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी किस ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी। आंसर करिएगा। ओके, तो कुछ लोग ये आंसर आ रहे हैं, कुछ लोग ये आंसर नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग आंसर नहीं कर पाए, नो इश्यू, थोड़े से क्वेश्चन टफ हैं क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है ना, कई बार हमें ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि हम ऐसे चैप्टर्स नॉर्मली छोड़ देते हैं, तो इट्स बेटर कि हम उनके क्वेश्चन कर जाएं, क्वेश्चन कर जाओगे तो कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देती हूं मैं, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1498, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं पूछी है, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी पूछी है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो आपकी 1498 के टाइम पर बनी थी। क्लियर है, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यूरोप से भारत तक, नेक्स्ट कर दीजिए सर, ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों की पहली राजधानी कौन सी थी, पुर्तगीज की सबसे फर्स्ट जो कैपिटल थी वो कौन सी थी।
सबसे पहली कैपिटल हिमांशु जी आंसर सही है वेरी गुड सबीना 1498 वेरी गुड ठीक है मोनू राय फर्स्ट कह रहे हैं गोवा ओके ईशानी कालीकट कह रही है ठीक है रवि कुमार बी ठीक है बेन सिंह ओके ओके ठीक है सो करेक्ट करती हूँ इस क्वेश्चन के आंसर को इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका कि भाई भारत में पुर्तगालियों की पहली राजधानी कौन सी थी तो आपकी भारत में पुर्तगालियों की सबसे पहली राजधानी थी कोची ठीक है तो ना कालीकट ना गोवा ना मद्रास कुछ नहीं कोची होगा आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कोची नोट कर लेना क्योंकि अधिकतर लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत ही दिया है और अब कमेंट बॉक्स में ये बिल्कुल मत लिखना मैंने सही दिया था मेरा सही था मेरा सही था ठीक है चलो बढ़ेंगे इस क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेदारा या बेदरा ठीक है दोनों ही नाम से जाना जाता है बेदरा का युद्ध जो था वो किस किस के मध्य लड़ा गया था ये बहुत क्वेश्चन आता है ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन तो जल्दी से बताओ बेदरा का युद्ध जो था वो किस किस के बीच लड़ा गया था बेदरा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था आंसर कर दो ओके चलिए इस क्वेश्चन के करेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं और आपका जो बेदरा का युद्ध था वो डेट नोट करना वो 25 नवंबर 1759 1759 के समय हुआ था किस किस के बीच लड़ा गया तो आपकी जो ब्रिटिश आर्मी थी और आपकी जो डच आर्मी थी यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच में 25 नवंबर 1759 को एक युद्ध लड़ा गया जिस युद्ध को हम बेदरा के नाम से जाने जाते हैं ये युद्ध कहां हुआ था तो ये पूरा युद्ध बंगाल में हुआ था बंगाल में हुआ था ठीक है ओके इसमें जो डच थे वो हारे थे अंग्रेजों से चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ काफी लोगों ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया था वेरी गुड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1609 1609 में कैप्टन हॉकिंस विलियम हॉकिंस जो थे वो भारत क्यों आया था इसका आंसर करो कैप्टन हॉकिंस भारत क्यों आया था आई होप सो ये बहुत आसानी से आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर ओके शिवमार्या जी जी अमित कुमार कोई बात नहीं क्वेश्चन टफ है रखे हैं भाई जानबूझ के रखे हैं मैंने क्या ना न्यू ईयर का सेकेंड डे में हमको थोड़ा पता होना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं तभी तो हम आगे दिसंबर तक अपनी चीजें खींच पाएंगे ओके चलिए पर बताती हूँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फैक्ट्री खोलने की अनुमति के लिए कैप्टन हॉकिंस जो है वो भारत आया था 1608 से 1612 के बीच में बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले फ्रांसीसी कारखाने की स्थापना कहां की गई थी आपका जो पहला फ्रांसीसी कारखाना था वो कहां एस्टेब्लिश हुआ था फ्रेंच फैक्ट्री की बात कर रही हूं ब्रिटिश फैक्ट्री की बात नहीं कर रही हूं तो समझ के आंसर करना जरा हाँ बिल्कुल अंकित अवस्थी वेरी गुड सही बोला आपने सुमंत कह रहे हैं ए होगा हाँ ठीक है मुंबई कुछ लोग कह रहे हैं डी होगा आशीष त्रिपाठी शिवम आर्या ओके चलिए इस क्वेश्चन को करेक्ट करती हूँ और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा आपका सूरत तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है ठीक है बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था वो जो डेन्स थे ना डेन्स ठीक है तो वो डेनिश जो थे उनका हेडक्वार्टर कहाँ था
सही आंसर बहुत कम लोग दे रहे हैं, सेरमपोर। वेरी गुड, सेरमपोर इज द करेक्ट आंसर। ये वेस्ट बंगाल में आता है और ये था आपके डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेला चैपल जो थी वो साइन करी गई थी किस किस के बीच में। एक्स-ला-चैपेल की जो ट्रीटी थी वो किस किस के बीच में साइन करी गई थी, जल्दी आंसर करो। आज तुम लोग अपना पता चल जाएगा कि किस पानी में हो, है ना। आंसर करिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करती हूँ मैं, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ब्रिटिशर और जो फ्रेंच थे उनके बीच में आपकी ये पूरी संधि 1748 के टाइम पर ये पूरी संधि हुई थी। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और ट्रीटी होगी, दैट इज द ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन बिटवीन। पेरिस की संधि किस किस के बीच हुई थी, चलो जल्दी से। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मैं सबसे चाहती हूँ। कम ऑन गाइस, आंसर। पेरिस की संधि किस किस के बीच में हुई भाई, और कल के लिए एक नोटिफिकेशन आपको बोल दे रही हूँ। कल हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, कल हम उसकी स्टोरी सुनेंगे। ठीक है, तो कल का सेशन थोड़ा सा अच्छा सा होने वाला है, कुछ अलग सा होगा कल का सेशन। जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था उसकी पूरी स्टोरी कल मैं आपको सुनाने वाली हूँ। ठीक है, हम लोग बोर्ड यूज नहीं करेंगे, बस मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ कल। ठीक है, तो कल की क्लास में जरूर आना, कल की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ रहा है, और क्वेश्चन का आंसर सी नहीं बल्कि क्वेश्चन का आंसर बी है। फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में ट्रीटी ऑफ पेरिस या पेरिस की संधि कराई गई थी। ठीक है, चलो तो भाई आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करेंगे, कल मिलेंगे जरूर, क्योंकि कल क्या पढ़ेंगे, कल 1857 की क्रांति पढ़ेंगे नहीं बल्कि केवल एक कहानी सुनेंगे और देखेंगे कि उस टाइम पे आखिर क्या हुआ था। ठीक है, तो कल की क्लास के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ, सो प्लीज कल आप लोग आइएगा, हम लोग एक बहुत अच्छी क्लास कल अरेंज कर लेंगे। ओके, चलिए, सो ख्याल रखिए अपना, प्रिपरेशन करते रहिए, और आपको और आपके परिवार को टेक्स्ट बुक की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय।